नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइक विद स्कूल बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिजनेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इंडियन इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर सकते हैं और ग्लोबल इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि जो स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं न्यूज़ के चलते हैं। फिर FIS और DIS डेटा देखेंगे। दोस्तों, अगर कल की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 0.8% तक ऊपर जाके क्लोज हुए। बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई कल इंडेक्स की। बैंक निफ्टी फ्लैट था कल के दिन। और हम मिड कैप की बात करें जो कंटिन्यूसली 4-5-6 सेशन से नीचे गिरते आ रहा है, उसमें भी अच्छी बाइंग हुई। मिड कैप इंडेक्स में तकरीबन 1.8% उठा था। तो ये कह सकते हैं FIS ने बहुत सारी बाइंग की रहेगी मिड कैप स्टॉक्स में। अभी हम ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में बात करते हैं। SGX जो फ्लैट ट्रेड कर रहा है 20 पॉइंट्स नीचे 18,313 के लेवल्स में। और हम निकी और जापान और चाइना की मार्केट्स की बात करें तो दोनों वीक है। 0.5% से लेकर 0.6% नीचे जाके ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने कल के लेवल्स बताया था, अगर वो लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाइंग कीजिएगा, और एल्स निफ्टी में बाय और बैंक निफ्टी में बाय मत कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे स्टॉक्स जो फोकस में आज न्यूज़ के चलते हैं। अभी हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। पहला स्टॉक है सिम्फनी। सेप्टेम्बर जो क्वार्टरली पैट आया है वो है 30 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ आया है। पहले ईयर ऑन ईयर में बेसिस में 16 करोड़ था, तो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है सिम्फनी में। और इनकम जो है वो 220 करोड़ आई है, पहले 191 करोड़ था। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे से उठा है, 30 करोड़ पहले सिर्फ 16 करोड़ था, यानी लगभग 95% से 100% की ग्रोथ आई है सिम्फनी में। सिम्फनी AC मेकिंग कंपनी से, कूलर मेकिंग कंपनी से, तो वोल्टास, ब्लू स्टार और सिम्फनी तीनों में आज फोकस रख सकते हो। इस तीनों स्टॉक्स उठ सकते हैं। दूसरा रहेगा महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स। सितंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसका प्रॉफिट ग्रोथ आया 13.2 करोड़, पहले लॉस था 13.5 करोड़ का। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आया महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का। ये स्टॉक भी उठ सकता है आज के दिन 10-15%। ये जो भी अपर सर्किट का लिमिट है वो हिट कर सकता है, क्योंकि लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, वो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आई है। अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ का, 25-30 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है ये क्वार्टर में। फिर आता है सेरा सैनिटरी वेयर। जो प्रॉफिट ग्रोथ आया है वो 43 करोड़ आया है, पहले साल में सिर्फ 25 करोड़ था। इनकम बेसिस पे भी उठाए 403 करोड़ आया है, पहले 324 करोड़ था। सेरा सैनिटरी वेयर भी उठ सकता है। फिर हम बात करेंगे ग्रीव्स कॉटन का जो है वो लॉस आया है 23 करोड़ का, पहले लॉस था 22.5 करोड़। मतलब ग्रीव्स कॉटन आज गिर सकता है। और अब ये स्टॉक में ट्रेड भी मत कीजिए, ये इसमें ट्रेड कीजिए सिम्फनी में, सेरा सैनिटरी में एंड महिंद्रा है। ये तीनों स्टॉक्स में आप इंट्राडे कर सकते हो जिसमें आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों, हम कल की अब एक्टिविटी देखेंगे FII और DII की। तो FIS ने कल के दिन में 2,368 करोड़ का सेलिंग किए, DIS ने 1,385 करोड़ का सेलिंग बाइंग की है। तो ट्रेंड जो है FIS का सेलिंग का वो अभी भी बरकरार है, फिर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है ऊपर में, क्योंकि DIS बाइंग कर रहे हैं। अगर DIS भी सेलिंग करना स्टार्ट करे तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, क्योंकि FIS DIS के एक्टिविटी से मार्केट स्टेबल अनस्टेबल हो रहा है। तो जो रिस्क नहीं लेना चाहते कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में, प्लीज़ आप ट्रेड मत कीजिए ऑप्शंस में। बेसिकली कोई स्टॉक्स में कर सकते हो, कोई 10-15 शेयर लेके रख सकते हो, कोई 50-100 शेयर्स में कर सकते हो, पर ऑप्शंस में मत कीजिए क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है मार्केट में। क्योंकि मार्केट स्टेबल और अनस्टेबल से FIS और DII के एक्टिविटी में हो रहा है। अगर FII DII दोनों ने सेल कर दिया एक ही दिन में तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है, और हम बता भी नहीं सकते कौन से लेवल में बाइंग करना स्टार्ट करेंगे फिर रिकवर हो जाएगा मार्केट। तो बहुत ही वॉलेटाइल है, तो जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिजाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। वो आपको मंडे टू सैटरडे एवरी डे मिलेगा। आपको एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हो और एल्स कॉल कर सकते हो नंबर पे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।